नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां जिले में 60 चयनित प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ है। मिशन रोजगार के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु चयनित प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों के ऑनलाइन नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम किया गया। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले के नेहरू हॉल में कुल 60 लोगों को, जिसमें 8 सहायक अध्यापक व 52 प्रवक्ता के नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा 5वें चरण में कुल 1395 लोगों का चयन किया गया है। इसी कड़ी में जनपद आजमगढ़ में 8 सहायक अध्यापक और 52 प्रवक्ता के रूप में इस जनपद के विभिन्न लोगों का चयन हुआ, उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। जिले के नेहरू हॉल में जिलाधिकारी व जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में कार्यक्रम किए गए। उस दौरान मुख्यमंत्री के लाइव प्रोग्राम का प्रसारण भी हुआ। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि गुणवत्ता और पारदर्शिता के चलते शिक्षा पद्धति में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हैं और ईमानदारी से कार्य करें। नियुक्ति पत्र के वितरण के दौरान कहा गया कि शैक्षिक उन्नत के लिए सतत शिक्षकों को प्रयास करना और बच्चों के समग्र विकास में भूमिका निभाएंगे। आज जनपद के 60 हमारे अभ्यर्थी थे, जिन्हें लेक्चरर्स और टीचर्स के पद पर नियुक्त होने का नियुक्ति पत्र दिया गया। लेक्चरर्स हैं जिनको जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर इनको तैनाती हुई है विभिन्न हमारे जनपदों में। इनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और यही कहा गया कि अपने दायित्वों को ये ठीक से निर्वहन करें, और इन लोगों ने भी आश्वस्त किया है कि ये अपने दायित्वों को पूर्ण निष्ठा और मनोयोग से वहाँ पर। जी, ये नियुक्ति पत्र 8 एल्टीग्रेड और 52 प्रवक्ता लोगों का, इस जनपद के नए निवासी लोगों का चयन हुआ है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 1395 लोगों का 5वें चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया अपना करके चयन किया गया है, और प्रदेश के 75 जिलों में ये वितरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं लखनऊ में लोक भवन सभागार में 500 से अधिक लोगों को वितरित किया गया। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में और जनप्रतिनिधियों की के संरक्षण में ये नियुक्ति पत्र इस जनपद के लाभार्थियों को वितरित किया गया है, जिससे इस जनपद जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित हुए हैं और जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा, गुणवत्ता में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा, इसकी उम्मीद है।